हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज प्रजापति संसाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल से आज अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास सेवन के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द फॉलोइंग। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आपको फाइंड आउट करना है, खोजना है। तो आप आगे देख लीजिए, ए क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, -50 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5। तो अब देख लीजिए -50 है, अगर इसको क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर क्या होगा -50 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करना है कितने से, 5 से। तो जब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 × 10 = 50, तो क्या आ जाएगा, 10 आ गया, और माइनस सिंबल इसके साथ रहेगा कि यही आपका आंसर हो जाएगा -10। ओके, अब आगे बी, ये ए साल हुआ है, ये बी साल करना है। अब देख लीजिए क्या, -70 / 9 + 5, ठीक है। अब देख लीजिए इसका ब्रैकेट हटाइए तो -70 हो गया, डिवाइड, अब इसको ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितने बजे, 40 में 5 से कर लीजिए, 5 × 20 = 2 × 5 = 5 = 7, यानी कि 45 क्या होता है, 45 = 17, और माइनस सिंबल क्या होगा, यहां पर लग जाएगा। ओके, अब सी वाले को सॉल्व कर लीजिए, सी वाले को यहां देख लीजिए। अब देख लीजिए ब्रैकेट से यहां है ये +7, पहले राइट कर लीजिए -28 + 30 हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो जब इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -22 होगा, और बड़े ब्रैकेट को लगा दीजिए और +7 डिवाइड का सिंबल लगा लेंगे। अब इसको इसको तोड़िए तो -28 और +13, ठीक है। अब देखिए -22 और +7, तो जब एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घट जाता है, लेकिन बड़े वाले डिजिट का सिंबल वहां रख दिया जाता है। तो 22 में से 7 आप माइनस कर लीजिए तो क्या बच जाएगा, 15, ठीक है, 15 बच गया। तो 15 क्या होगा, बड़ा सिंबल 22 था माइनस का, तो यहाँ पे माइनस। अब डिवाइड, वही चीज यहां करना है, एक प्लस है तो एक माइनस एक प्लस है, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन बड़ी जो डिजिट होगी 28 उसका सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस सिंबल लगेगा। इसको घटा लीजिए, 8 में से 3 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 5, और 2 में से 1 निकाल लिया 1, और कौन सा सिंबल लग जाएगा, माइनस सिंबल, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइड, तो इसको इधर से लीजिए -15, ठीक है। अब देखिए, अब स्टार्ट देख लीजिए, माइनस से माइनस जब डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अगर उसको लिख दें, अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में, तो फ्रैक्शन में इस तरह लिखेंगे -15 / -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 बन जा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमने फाइंड करके दिखाया। इसको क्या करिए, आप एक दो बार अपने से एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd, वेरीफाई दैट x / y इज नॉट इक्वल टू y / x, फॉर द
फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो क्या है इसको वेरीफाई करना है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, वैल्यू आपका दिया है एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू दिया है, तो वैल्यू के रूप में एक ए में क्या दिया है एक्स इज इक्वल टू 56 एंड वाई इज इक्वल टू 7। अब इसको वेरीफाई करना है और एक्स की वैल्यू 56 और वाई की वैल्यू 7 दिया है, तो जब वेरीफाई करना होगा क्या वेरीफाई करना एक्स डिवाइड वाई इज नॉट इक्वल टू वाई डिवाइड एक्स, कि एक्स को वाई डिवाइड कर रहा है तो बराबर नहीं होगा, वाई को एक्स डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें दो है, एक ए की वैल्यू में इतना दिया है, बी वाले में ए की वैल्यू -15 और वाई की वैल्यू 5 दिया है, सी वाले में एक्स की वैल्यू 72 एंड वाई की वैल्यू -9 दिया है, तो एक साल बता देंगे उसी के अनुसार आप बी और सी को साल कर सकते हैं। अब देखिए एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 56 डिवाइड वाई के स्थान पे 7 इज नॉट इक्वल टू वाई के पास क्या रखेंगे 7 डिवाइड एक्स का 56। ओके अब देखिए 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए कितना होगा 8 आ गया, इज नॉट इक्वल टू इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे तो 1/56 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 56, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 1/8। ओके तो क्या है दोनों तरफ की इक्वल के दोनों तरफ की वैल्यू क्या है सेम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू। ओके तो ये आपका वेरीफाई हुआ कि x डिवाइड y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइड x, तो इस तरह इसको क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू के द्वारा इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए 7 × 56 इधर तो डिवाइड हो गया, लेकिन 7 में जब 56 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि 7/56 तो 7 × 7 और 7 × 56 तो 1/8 इसको लिख सकते हैं, तो क्या है 1/8 ये 8 के इक्वल नहीं है, इस तरह से इस आप प्रॉपर्टी को सिद्ध कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट 4 आप कर सकते हैं, राइट 4 पेयर ऑफ इंटीजर एक्स वाई सच एट एक्स डिवाइड 7 इज इक्वल टू -7। अब आइए वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम इरेज कर रहे हैं और एक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो छोड़ रहा है बी और सी को उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी तरह अनुसार आप सभी को वेरीफाई कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहां भी क्या करना है वेरीफाई द ए डिवाइड बी प्लस सी ब्रैकेट्स में क्लोज इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी इज क्लोज प्लस ए डिवाइड सी। अब देखिए इसमें वैल्यू दे दिया है, ए में वैल्यू क्या दिया है ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 10। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू दे दिया है और आपकी जो प्रॉपर्टी है ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, तो आपको इसके क्या है दिए गए डिजिट के अनुसार इसमें रख के वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरीफाई कर लीजिए क्या वेरीफाई करना ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए वही वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 60 डिवाइड बी की वैल्यू 20 और प्लस सी की वैल्यू 10 इज नॉट इक्वल टू, आप उस तरह भी कर सकते हैं,
आप राइट साइड का या लेफ्ट साइड की वैल्यू को रख रख के भी सेम कर दिखा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए कितना दिया है, 60 डिवाइड बी प्लस ए 60 डिवाइड सी की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, उसकी वैल्यू को इसके स्थान पे रख देना। अब देखिए 60 डिवाइड, अब इसको क्या करेंगे, एड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 30 इज नॉट इक्वल टू, अब यहां डिवाइड करेंगे 20 3 60 प्लस 10 6 60, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 32 60, अब इज नॉट इक्वल टू और 6 3 9, तो 2 क्या है 9 के इक्वल नहीं है, तो ये ऐसे ही क्या हुआ, ये इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स वेरीफाई। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। क्योंकि क्या किए हैं, इस तरह करके वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 6 9 हो रहा है और इधर की वैल्यू क्या है 2 हो रहा है, इसलिए क्या है कि ये वेरीफाई हो गया है और ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसमें ए बी क्या वैल्यू दिया गया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नोट करेंगे नहीं। ओके, अब आइए हम एक थोड़ा सा वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी वेरीफाई यही चीज करना है, इसका वेरीफाई। लेकिन बी वाले ने क्या दे दिया है, ए इज इक्वल टू -20 बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू दे दिया है। अब क्या करना है, वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई किसने करना, ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी इज ट्रू प्लस ए डिवाइड सी। ओके, अब यहां वैल्यू रख दीजिए -20 डिवाइड बी की वैल्यू -5 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू, ये कितना दिया था -20 डिवाइड -5 प्लस -20 डिवाइड 4, यही था ना। अब देख लीजिए, अब -20 डिवाइड, अब यहाँ -5 है यहाँ 4 है, तो हमने बताया कि माइनस प्लस तो वो क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बड़े वाले का सिंबल रखते हैं तो बड़ा क्या है 5 है, तो 5 के सामने क्या है माइनस सिंबल है, तो क्या हो जाएगा 5 में से 4 माइनस कर ले 1 तो क्या हो जाएगा -1। इज नॉट इक्वल टू 20 माइनस माइनस, अगर -20 में -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 5 हो गया 20 प्लस, अब क्या है यहाँ पे 4 5 20, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस सिंबल रहेगा, तो माइनस इसमें डिवाइड कर लीजिए तो माइनस माइनस सेकेंड से 20 में से डिवाइड करेंगे 20 आ गया, इज नॉट इक्वल टू अब क्या है 4 और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5, तो 20 इज नॉट इक्वल टू -1। क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। स्टूडेंट्स ऐसे क्या कर सकते हैं, आप अपना ऐड करके नोट बना सकते हैं, एक्सरसाइज 1.4 आपका लगभग कंप्लीट हुआ, एक दो क्वेश्चन है तो वो बहुत इजी है, उसको आप अपने से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और वीडियो डेली वीडियो देखा करिए। ओके, और इस तरह से आपका लगभग में चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर एक दो दिन की और इसमें वीडियो हम दे देंगे, इससे क्या होगा चैप्टर 1 आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।